भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर डेल्टा जैसी हो सकती है और जनवरी में ये पीक पर रह सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेट्रिक साइंसेज वॉशिंगटन के अध्यक्ष डॉक्टर क्रिस्टोफर मरे ने आज तक से विशेष बातचीत में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस भी उसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जैसा कि डेल्टा लहर में देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि मंगलवार को कोरोना के नए केस 50,000 की संख्या को पार कर गए। हालांकि भारत सरकार ने अन्य देशों के मुकाबले कोरोना की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला हुआ है। मरे ने कहा है कि किसी भी तरह का प्रतिबंध ओमिक्रॉन को बढ़ने से नहीं रोक पाएगा और ये बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करेगा। क्रिस्टोफर मरे ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट केवल 2 महीने में दुनिया भर में 3.5 करोड़ लोगों को संक्रमित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में डेल्टा लहर के दौरान जितने केस देखे गए थे उतने केस फिर से दिख सकते हैं। जनवरी के मध्य तक पीक के सवाल पर उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से 3.5 करोड़ तक के संक्रमित होने की संभावना है। ये अप्रैल में डेल्टा के पीक के दौरान देखी गई संख्या का 3 गुना है। उन्होंने कहा कि भारत में जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अस्पतालों में मौतों की संख्या कम होगी। मरे ने कहा कि अमेरिका में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या डेल्टा लहर जैसी नहीं होगी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।